सर्दी के मौसम में ताज़े और हरी हरी सब्जियों की बहार आ जाती है, और इस बहार में अगर मिक्स वेज ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। घर के मसालों से और आसान तरीकों से आज मैं मिक्स वेज आपको बनाना बताऊंगी, कैसे आप घर में बहुत ही इजीली वे में और रेस्टोरेंट से भी अच्छा मिक्स वेज बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए बहुत सारी सब्जियों को लिया है। ये गाजर है और दो गाजर मैंने यहाँ पे लिए, बिल्कुल लाल लाल गाजर है ये, और इसको छोटा छोटा काट लिया है क्यूब्स में। और यहाँ मैंने गोभी ली है, 4 से 5 फूल थे उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसको मैंने बॉयल कर दिया है हरे मटर के साथ। बस थोड़ी देर के लिए बॉयल किया है, 2 से 3 मिनट के लिए। ध्यान रखिए इसे पकाना नहीं है, बस इसे हल्का सा बॉयल करना है कि जो भी गंदगी है इससे वो निकल जाए। और यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं 7 से 8, और बीन्स लिए हैं, हरे हरे बीन्स हैं ये, देखिए कितनी फ्रेश है। उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और एक बड़ा सा शिमला मिर्च मैंने लिया है और उसको भी इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। और ये पनीर है, 70 ग्राम पनीर यहाँ पे मैंने लिया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। इतनी फ्रेश सब्जी देख के किसको मन नहीं करेगा कि मिक्स वेज बना ले फटाफट। और यहाँ पे देखिए मैंने मटर लिया है, हरा हरा ये मटर है, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे बॉयल किया है, ज़्यादा नहीं बॉयल करना है नहीं तो ये गल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, चाहे तो आप सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, और इसको हम कलर चेंज होने तक भुनेंगे, इसको कच्चा ही हम नहीं पीसने वाले हैं, और इसको कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसमें अब डाल देते हैं हम 4 से 5 लहसुन, और 1.5 इंच मैंने इसमें अदरक डाल दिया है, कुछ काजू डाल दिए हैं 7 से 8 जो मैंने आपको दिखाया था प्लेट में, और अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा साइज़ का टमाटर। अगर आप बड़ा साइज़ का नहीं डालते हैं तो 2 मीडियम साइज़ का आप टमाटर इस तरह से कट करके डाल दें, और इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि आगे हम और भी नमक डालने वाले हैं, तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है जिससे कि ये बहुत जल्दी गल जाएगा। और इसमें ढक्कन डाल देंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए। ये देखिए ढक्कन को मैंने उठा दिया है, 2 से 3 मिनट ही मैंने ढक्कन को रख कर पकाया इसे, और प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल चुका है। तो इसको ना अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि इसे पीसना है, तो तेल हम सेपरेट कर देते हैं, और प्याज टमाटर वगैरह जो हमने भुना है तो उसको एक कटोरी में हम निकाल देते हैं, वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। ध्यान रखें गरम गरम आप मसाले को कभी भी ना पीसें, नहीं तो वो उठ के ऊपर आ जाता है और अपने ऊपर पड़ जाता है इसकी वजह से। तो अब इन बचे हुए तेल में हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं, इसे सैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन या वगैरह इसे नहीं करना है, हल्का सा बस इसमें एक कलर आ जाए। और देखिए इसमें एक कलर आ चुका है, तो अब हम इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो पनीर को भी अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख रहे होंगे पैन में कुछ तेल बच गया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास जो सब्जियां कटी हुई है उसको इस तेल में डालकर हम धीरे धीरे करके इसको फ्राई करते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पैन में अलग से तेल नहीं डाला है, उसी तेल में मैंने अब, अगर आपके पास तेल कम हो तो आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर दें, और जो आपके पास सब्जियां हैं उसमें धीरे धीरे करके डालते जाएं। तो यहाँ पे मैंने गाजर डाल दिया है, साथ में गोभी भी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई भी नहीं करना है, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें इसे फ्राई करना है। तो अब इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए, करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही करके फ्राई करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपनी बची हुई सारी सब्जियों को भी इसमें डालते जाएंगे ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने बीन्स को भी डाल दिया है, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को बॉयल नहीं किया है, सिर्फ गोभी और मटर को बॉयल किया है, और गोभी को तो मैंने इसलिए बॉयल किया है कि उसमें जो भी इम्प्योरिटी वगैरह है वो हल्का सा एक गर्म पानी में वो एक बार निकल के बाहर आ जाए, तो उसकी सारी जो भी इम्प्योरिटी वगैरह रहती है वो निकल जाए। और मटर को भी मैंने बस 2 मिनट के लिए बॉयल किया है, तो इससे वो ज़्यादा गला नहीं है, यानी पका नहीं है। तो ऐसे ही करके हम अपनी सारी सब्जियों को इसमें भूनते जाएंगे, और भुनने से ना इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप बॉयल करके जो सब्ज़ी बनाते हैं उसकी जगह आप भून के मिक्स वेज को बनाइए,
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पे देखिए बीन्स भी भुन चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च को भी डालने, शिमला मिर्च को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए भुना है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो अब जो है सब्जियाँ सारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, तभी मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को डाला है और मटर को मैं सबसे लास्ट में डालूंगी क्योंकि उसको मैंने हल्का सा पकाया भी है, तो उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ये जो सब्जियाँ आपस में भुन रही हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जो सब्जियाँ हैं उस वो बिल्कुल फीका ना रहे और उसमें भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप ज़रूर डालें यहाँ पे नमक। और देखिए सब्जियाँ जो है वो बिल्कुल भुन के अच्छे से तैयार हो चुकी है, अगर ज़्यादा भुनेंगे तो मैश हो जाएगा। सब्जियों को मैंने पैन से निकाल दिया और उसी पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। साथ में डाल देंगे लाल मिर्च को तोड़कर, दो लाल मिर्च मैंने यहाँ यूज़ किया है, एक तेज पत्ता डाल देंगे और एक चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। सब अच्छे से क्रैकल हो जाए एक बार और उसके बाद ही मैं इसमें मसाले को डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से क्रैकल हो चुका है। यहाँ पे मैंने ये मसाला पीस कर तैयार कर लिया था, प्याज टमाटर अदरक लहसुन और काजू का पेस्ट मैंने बना कर तैयार कर लिया और बहुत बढ़िया ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो तेल में मैं इस मसाले को डाल देती हूँ और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देती हूँ। इस पेस्ट को डालने से जो इस मसाले का टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मैंने पहले भी अदरक लहसुन इस मसाले को पीसते समय डाला था। अब ये मसाले भून रहे हैं, मैं यहाँ पर फ्लेम लो कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच दही, दही बिल्कुल खट्टा नहीं है। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच जितना इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दही को मसालों के साथ हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि दही बिल्कुल भी फटाफटा ना लगे और नहीं तो ये जाकर जो हमारी ग्रेवी बनेगी उसमें अच्छा टेक्स्चर नहीं देगा। तो देखिए मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और अब इसको डाल देंगे हम अपने मसालों के साथ। इस तरह से दही के साथ मसालों को मिलाकर इसमें ज़रूर डालें, इससे जो मिक्स वेज का टेक्सचर है और टेस्ट है दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और दही, एक बात का ध्यान रहे, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आप मसालों का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आ रहा है, तेल भी इससे रिलीज़ होने लग गया है। तो समझ लीजिए कि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम अपनी सारी सब्जियों को इस मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और बहुत ही बढ़िया ये मिक्स वेज बनकर तैयार होने वाला है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी सब्जियों को इस मसाले के अंदर डाल दिया है और अब सब्जियों को हम मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जी में भी मसाले अच्छे से लग जाएं और बढ़िया सा कोटिंग हो जाए सब्जियों में। और अब हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि सब्जी भी अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे डाल देंगे हम इसमें नमक, नमक हम डालेंगे 3/4 टीस्पून क्योंकि नमक हम पहले भी काफ़ी डाल चुके हैं इसलिए नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें 3/4 टीस्पून जितना ही नमक डालूँगी और सब्जी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुई है। और लास्ट में इसमें डाल देंगे अब हम पनीर, पनीर को भी अब हम इसमें डाल देते हैं और गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच। मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, घर का बना हुआ ही ये गरम मसाला है। और सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, सब्जियों को एकदम हल्के हाथों से चलाएंगे नहीं तो वो मैश हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये मसाला जो हमने पीसा था उसी जार में मैंने वो पानी डाल दिया ताकि मसाला वेस्ट ना हो जाए और वही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको हम चला देते हैं और इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में हम डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के डालने से इस सब्ज़ी का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाला है और 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया है ताकि जो भी ऑयल वगैरह है इसके ऊपर आ जाए और सब कुछ अच्छे से मिलजुल जाए। ये देखिए सब्जी का कलर है ना, एकदम बढ़िया सा मस्त सा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट में मैंने इसमें क्रीम डाल दिया है, ये घर का ही क्रीम है, मतलब मलाई को मैंने फेंट लिया था, 1 चम्मच मलाई को मैंने लेके फेंट लिया था, एक बड़ा चम्मच।
और उसमें उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और कौन कहेगा कि घर में होटल से भी अच्छी मिक्स वेज नहीं बना सकते हैं हम। तो अब इसे मैं एक छोटी सी कढ़ाई में निकाल लेती हूँ सब्जियों को। आप देख सकते हैं एक एक सब्ज़ी बिल्कुल खिली हुई और अच्छे से नज़र आ रही है। बीन्स, गाजर, गोभी, पनीर जो भी हमने डाला है सब कुछ इसमें दिख रहा है अच्छे से। मटर, और ये देखिए बढ़िया सा सब्जी मिक्स वेज हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी ज़रूर बनाइए इस सर्दी में इस मिक्स वेज को, और इसको पराठे, नान, रोटी किसी के भी साथ खाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप सबको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।